हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल स्टडी गो को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्रेस करें इस बेल आइकन को। और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो, यानी वीडियो को पूरा देखें, यानी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। इट मींस संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, यानी कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप होती है हमारी यूनियन और स्टेट के बीच में, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जो कि स्पेशली मैंने एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई हैं, जिसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से उसको इजिली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। दोस्तों, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक जो प्रोविजन दिए गए हैं, वो हमारी यूनियन और स्टेट के बीच जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है उससे रिलेटेड है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी कि जो हमारा यूनियन है और जो हमारा स्टेट है उनके बीच लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा है, उनके बीच डिविजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर कैसे होता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द डिविजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यानी कि दोस्तों, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स का जो डिविजन है यूनियन और स्टेट के बीच, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट है डिविजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार की दृष्टि से विधायी शक्ति का विभाजन, यानी इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन। और दोस्तों, डिवीजन का दूसरा पार्ट है डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन, यानी कि विषय वस्तु के हिसाब से लेजिस्लेटिव पावर्स जो है, विधायी शक्तियां जो है, उनका विभाजन। दोस्तों, हम पहले पढ़ेंगे इसका पहला पार्ट, यानी कि डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, कि एक्सपेंशन के आधार पर, विस्तार के आधार पर लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियों का विभाजन कैसे किया है। दोस्तों, इससे रिलेटेड पहला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 245। इसका जो पहला क्लॉज है वो कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। इट मीन्स जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट में रहते हुए, उसमें जो प्रोविजन दिए हैं उसके अधीन रहते हुए, हमारी इंडियन टेरिटरी के किसी भी भाग के लिए या पूरी टेरिटरी के लिए लॉज बना सकती है। और उसी तरह जो लेजिस्लेचर है हमारा स्टेट का, जो विधानमंडल है स्टेट का, वो भी लॉ बना सकता है पूरे स्टेट के लिए या उसके किसी भी पार्ट के लिए। जो हमारा आर्टिकल 245 का सेकंड क्लॉज है वो बोलता है, नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। यानी कि दोस्तों, जो हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कि इस ग्राउंड पर है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन वाला है, यानी कि इंडियन टेरिटरी से बाहर हमारी पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है, तो वो इस ग्राउंड पे इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा कि उसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, यानी कि वो इंडिया से बाहर लॉ बना रही है, इस आधार पर उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 245 का सेकंड क्लॉज कहता है, यानी कि इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन वाले लॉज बना सकती है। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक केस है, एच वाडिया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे AIR 1949। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन केस ऑफ सोवेरियन लेजिस्लेचर क्वेश्चन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी ऑफ एनी इनैक्टमेंट कैन नेवर बी रेज्ड इन म्युनिसिपल कोर्ट एज अ ग्राउंड ऑफ चैलेंजिंग इट्स वैलिडिटी। इट मींस जो हमारा सोवेरियन लेजिस्लेचर है उसके द्वारा अगर कोई ऐसा लॉज बनाया जा रहा है जिसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, तो इस आधार पर कि उस लॉ में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, उसको म्युनिसिपल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी वैलिडिटी को म्युनिसिपल कोर्ट यानी कि नगर पालिकीय न्यायालय में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है।
अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि सब्जेक्ट मैटर के टर्म्स में लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन कैसे किया गया है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट इन आर्टिकल 246 एंड स्केड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिलेट्स टू लेजिस्लेटिव डिवीजन। यानी कि दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 246 है और स्केड्यूल 7 है उसमें तीन तरह की लिस्ट दी गई है, पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कंकरेंट लिस्ट, जो कि हमारी लेजिस्लेटिव डिवीजन से रिलेटेड है। दोस्तों जो हमारी यूनियन लिस्ट होती है उसमें लॉज बनाने की जो पावर है उसमें ऐसे सब्जेक्ट डाले गए हैं कि उनके ऊपर लॉ सिर्फ यूनियन बना सकता है, और स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर लॉ सिर्फ स्टेट को बनाने का अधिकार है। और दोस्तों जो हमारी कंकरेंट लिस्ट है उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लॉज हमारा यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं। और दोस्तों अगर दोनों सरकार द्वारा जो कंकरेंट लिस्ट पे लॉज बनाए गए अगर उनमें कंफ्लिक्ट उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन में यूनियन के द्वारा जो लॉ बनाया गया है वो अधिक प्रभावी होता है, वो डोमिनेंट होता है। तो यही सब हमारा आर्टिकल 246 में दिया गया है। Now we are going to study about Article 246A, जिसको हमारे Constitution में insert किया गया था Constitution 101st Amendment Act 2016 के द्वारा। It means which was inserted by Constitutional 101st Amendment Act 2016। दोस्तों ये है क्या? इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है Special Provision with respect to Goods and Services Tax। इट मीन्स जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है यानी GST, उससे रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजन है वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 246A में दे रखे हैं। दोस्तों ये हमारा आर्टिकल 246A बोलता क्या है? ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 254 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज with respect to goods and services tax imposed by the union or by such state। it means article 246 and article 254 में किसी भी बात के होते हुए notwithstanding anything contained in article 246 and article 254 जो हमारा parliament है यानी कि संसद, उसको subject to clause 2 यानी कि जो हमारा क्लॉज 2 है उसके सब्जेक्ट में रहते हुए, उसके अधीन रहते हुए, और प्रत्येक स्टेट यानी कि एवरी स्टेट यानी प्रत्येक स्टेट के लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा लगाया गया यानी इम्पोज किया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST, इसके विषय में यानी GST के विषय में हैव पावर टू मेक लॉज यानी GST के विषय में पावर बनाने की शक्ति होगी। ये हमारा 246A का पहला क्लॉज बोलता है। इसका सेकंड क्लॉज बोलता है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इट मीन्स जहां पर गुड्स या सर्विस या दोनों का जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट ट्रेड या फिर कॉमर्स यानी कि वाणिज्य के कोर्स में होता है, तब उस कंडीशन में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर लॉज बनाने का जो एक्सक्लूसिव पावर है वो पार्लियामेंट को है यानी वो संसद को है। तो दोस्तों ये जो हमारा आर्टिकल 246 है ये पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर देता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर लॉज बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 247 के बारे में, यानी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोड्स। इट मींस जो हमारा पार्लियामेंट है वो कुछ यानी निश्चित एडिशनल कोड्स को एस्टेब्लिश कर सकता है, उसका स्थापन कर सकता है, यानी पार्लियामेंट को कुछ एडिशनल कोड्स को एस्टेब्लिश करने की पावर होती है, और उसी पावर को आर्टिकल 247 में बताया गया है। यानी कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट्स फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉज विद रेस्पेक्ट टू अ मैटर इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। यानी कि दोस्तों जो हमारा चैप्टर 11 है यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट,
इस चैप्टर में किसी भी बात के होते हुए जो हमारा पार्लियामेंट है वो अपने द्वारा जो भी विधि बना रहा है या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉज है जो कि यूनियन लिस्ट से संबंधित है या यूनियन लिस्ट के रेस्पेक्ट में है, उसके अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर प्रशासन के लिए एडिशनल कोड्स को बनाने की विधि प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 247 कहता है। दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल 248 है उसमें रेजिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन दे रखी है, यानी कि लेजिस्लेशन बनाने की जो रेजिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां हैं विधान बनाने की, उनको दिया गया है। सच सब्जेक्ट्स विच आर नेदर इन स्टेट लिस्ट नॉर इन द कंकरेंट लिस्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट ना तो हमारा स्टेट लिस्ट में है यानी राज्य सूची में और ना ही कंकरेंट लिस्ट में, ना कि समवर्ती सूची में, तब उस कंडीशन में पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन देम, यानी कि पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दी गई है उसके ऊपर लॉज बनाने की, जो सब्जेक्ट ना तो स्टेट लिस्ट में है ना कंकरेंट लिस्ट में, उस विषय पर लॉज बनाने की जो शक्ति है वो एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, यानी संसद को है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट किन सर्कमस्टेंसेस पर, किन कंडीशंस पर स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर विधि बना सकती है, उनके ऊपर लॉज बना सकती है। तो पहली कंडीशन आती है आर्टिकल 249, यानी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो अगर स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा मैटर है जो कि नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो उसके ऊपर लॉज बना सकती है हमारी पार्लियामेंट। इफ द राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स, यानी कि दोस्तों जो हमारी राज्यसभा है कोई ऐसा रेजोल्यूशन अपने प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स की सहायता से 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है कि इट इज नेसेसरी एंड बेनिफिशियल फॉर नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि ये हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए नेसेसरी है और बेनिफिशियल है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो क्या करे, टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर दिस लॉ वुड बी रेलेवेंट, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट करे जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में जो लॉ बनाया जाएगा वो रिलेवेंट होगा, यानी कि जो हमारी राज्यसभा है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है अपने प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी से कि जो हमारा स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और बेनिफिशियल है, तो उस कंडीशन में अगर लॉ बनता है तो वो लॉ क्या होगा, रिलेवेंट होगा यानी वैलिड होगा। दिस रेजोल्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर 1 ईयर, जो ये रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव जो पारित किया गया है वो 1 साल तक एप्लीकेबल होगा, बट द राज्यसभा कैन एक्सटेंड इट्स ड्यूरेशन एवरी ईयर टू 1 ईयर, लेकिन जो राज्यसभा है वो प्रत्येक वर्ष इसका जो टाइम है 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट लिस्ट विल ऑटोमेटिकली सीज आफ्टर 6 months ऑफ इट्स एक्सपायरी, यानी कि दोस्तों जो ये रिजोल्यूशन बनाया गया है अगर वो समाप्त हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो उस कंडीशन में जितने भी लॉज पार्लियामेंट द्वारा इस रिजोल्यूशन के तहत बनाए गए थे वो अपने आप ही उसकी समाप्ति के 6 महीने बाद यानी 6 months के बाद वो भी समाप्त हो जाते हैं, वो भी सीज हो जाते हैं। दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल 250 है उसके अंतर्गत ऐसे राइट दिए गए पार्लियामेंट को जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉज बना सकती है, यानी ये हमारा दूसरा सर्कमस्टेंस है, यानी कि आर्टिकल 250 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन स्टेट लिस्ट इफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। होता क्या है, अगर स्टेट में इमरजेंसी प्रोविजन लग जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, आपातकालीन की स्थिति आ जाती है, तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट को राइट होता है कि वह स्टेट लिस्ट के जो मैटर है उनके ऊपर लॉज बनाए। इन इवेंट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन द लॉ मे बी मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड दिस लॉ विल ऑटोमेटिकली सीज आफ्टर 6 months ऑफ एक्सपायरी ऑफ इमरजेंसी। इट मीन्स अगर इमरजेंसी की स्टेट में घोषणा कर दी गई है तो इस स्थिति में पार्लियामेंट को राइट होता है कि वो सब्जेक्ट्स जो हैं स्टेट लिस्ट के उनके ऊपर लॉज बनाएगी, और जो लॉज बनाए गए हैं अगर इमरजेंसी समाप्त हो जाती है उसके 6 मंथ बाद वो अपने आप ही सीज हो जाते हैं। आर्टिकल 252।
दोस्तों आर्टिकल 252 जो है ये हमारा तीसरा सर्कमटांस है जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट को स्टेट की जो स्टेट लिस्ट होती है, राज्य सूची जो होती है, उस पर में जो सब्जेक्ट है उन पर लॉज बनाने की पावर मिल जाती है। यानी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर टू और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। यानी कि दोस्तों जो कोई स्टेट है या दो से अधिक जो स्टेट है उन्होंने अगर पार्लियामेंट को उनके स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है किसी सब्जेक्ट पर कंसेंट दे दी है कि पार्लियामेंट उनके इस सब्जेक्ट पर लॉज बना सकता है, और अगर इस लेजिस्लेशन को, इस विधान को अन्य स्टेट भी एक्सेप्ट करती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं, तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट उन दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए और उन अदर स्टेट्स के लिए ये लेजिस्लेशंस बना सकता है, क्योंकि स्टेट ने उन्हें कंसेंट दी है, पार्लियामेंट को यानी संसद को कंसेंट दी है और अदर स्टेट ने इस कंसेंट को अडॉप्ट कर लिया है। If any of the two or more legislative assemblies of the state have passed the resolution that parliament can legislate on the subject of the state list, then such law can be accepted by passing the other state resolution. The only right to amend or direct such act is to the parliament and not to the state legislature. It means अगर कोई स्टेट या दो से अधिक स्टेट जो है उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान मंडल जो है, वो एक प्रस्ताव पारित कर रही है कि पार्लियामेंट उनके किसी सब्जेक्ट में यानी उनकी जो स्टेट लिस्ट है उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे वो चाहती हैं कि पार्लियामेंट उससे संबंधित लॉज बनाए, तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट उनके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉज बना सकती है। देन सच लॉ कैन बी एक्सेप्टेड बाय पासिंग द अदर स्टेट रेजोल्यूशन। और जो अदर स्टेट हैं वो भी अगर इस कंसेंट को, इस स्टेट की जो कंसेंट थी उसको एक्सेप्ट करती है रेजोल्यूशन पास करके, तो जो पार्लियामेंट है वो अदर स्टेट्स के लिए और उस स्टेट के लिए जिसने कंसेंट दी है लॉज बना सकती है जिस पर वह चाहती हैं कि वह जिस सब्जेक्ट पर चाहती हैं स्टेट लिस्ट के, उस सब्जेक्ट पर लॉज बना सकती है पार्लियामेंट। द ओनली राइट टू अमेंड और डायरेक्ट सच एक्ट, और दोस्तों ये जो एक्ट पारित हो गया है उसको अमेंड करने का, उसको चलाने का, उसको संशोधित करने का जो राइट होता है वो सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर आ जाता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर पर। दोस्तों हमारा फोर्थ सर्कमटांस है आर्टिकल 253, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट को ये शक्ति है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉज बना सकती है। लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, यानी कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाले जो सब्जेक्ट होते हैं स्टेट लिस्ट में उनको इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बना सकती है, लॉज बना सकती है। दोस्तों आर्टिकल 253 कहता है notwithstanding anything in the foregoing provision of this chapter, parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other body. यानी कि दोस्तों जो हमारा चैप्टर 11 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 253 से पहले या फोर गोइंग प्रोविजन यानी आर्टिकल 253 से पहले जितने भी प्रोविजन हैं उनमें किसी भी बात के होते हुए पार्लियामेंट को अधिकार होता है कि वह किसी देश या देशों के साथ कोई ट्रीडी करता है, संधि करता है, एग्रीमेंट यानी करार करता है और कन्वेंशन करता है, या फिर किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर संगम, एसोसिएशन और किसी भी निकाय में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है, तो उस कंडीशन में लॉज बनाने की जो शक्ति है पूरे इंडिया के लिए या इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए वो पार्लियामेंट को है, चाहे वो हमारा स्टेट लिस्ट का मैटर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों ये तो था हमारा आर्टिकल 253 के बारे में। दोस्तों हमारा जो ये टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट अब खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।